आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मेगा ऑक्शन से हटने का फैसला किया है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बेन स्टोक्स ने दरअसल अगला आईपीएल न खेलने का फैसला किया है, वो इसलिए चूंकि आने वाला जो साल है और उसमें भी जनवरी से लेकर के अगस्त तक का जो महीना है वो बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, और इंग्लैंड में टेस्ट टीम की अगुवाई करते हैं बेन स्टोक्स, और इसीलिए उन्होंने मेगा ऑक्शन से हटने का फैसला किया है। और दरअसल बीसीसीआई ने इस आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले एक नियम बनाया है, और वो नियम ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में शामिल हुआ और उस पर बोली लगी, उसे किसी टीम ने खरीद लिया, और फिर खरीदे जाने के बाद अगर वो खिलाड़ी आईपीएल खेलने से मना करता है तो उस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये कड़ा फैसला है, और इससे पहले भी कई बार शिकायतें मिली थी कि कई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद बहानेबाजी करके और निजी कारणों का हवाला देकर के आईपीएल से हट जाते थे, जिससे उस टीम को खामियाजा भुगतना पड़ता था जिसमें उन्हें खरीदा है, फिर उसी प्राइस वैल्यू के आधार पर फ्रेंचाइजी को कोई और खिलाड़ी उठाना पड़ता था। अब दिक्कत यह है कि फ्रेंचाइजी का तो पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता था, टीम का कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ जाता था, लेकिन खिलाड़ी चालाकी ये करते थे, विदेशी खिलाड़ी, कि अगर उन्हें मन मुताबिक उन पर बोली नहीं लगी तो वो बहाना मार करके और आईपीएल से हट जाते थे। इसलिए बीसीसीआई से शिकायत की गई और टीमों ने कहा कि इससे हमारे खेल पर, हमारी टीम पर, हमारे टीम कॉम्बिनेशन पर बुरा असर पड़ता है, तो बीसीसीआई ने नियम बना दिया कि कोई भी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में शामिल होने के बाद, खरीदे जाने के बाद, अगर वो खिलाड़ी आईपीएल न खेलने से कि मतलब कहता है कि वो आईपीएल नहीं खेलेगा तो फिर उस पर प्रतिबंध लगेगा। हाँ, अगर वो खिलाड़ी इंजरी की वजह से बाहर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिना चोट के निजी कारणों का हवाला दे करके, कोई बहाना बना करके अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल खेलने से मना करता है तो उस पर 2 साल के प्रतिबंध की सजा का ऐलान बीसीसीआई ने किया, और ये कड़ा नियम था। शायद इसी नियम को ध्यान में रखते हुए बेन स्टोक्स ने इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले ही बोल दिया कि मैं इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, और उसमें हिस्सा लेने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और फिर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी है, और एशिया सीरीज भी है, तो ऐसे तमाम बड़ी सीरीज खेलने के लिए स्टोक्स ने आईपीएल न खेलने का मन बनाया है। क्या बेन स्टोक्स का आईपीएल न खेलना उचित है? आपको बेन स्टोक्स का ये फैसला कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।